हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। एचपीएलसी का एक बिल्कुल नया टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे C18 कॉलम पर और फिनाइल कॉलम पर। मींस आपका सिलेक्शन ऑफ कॉलम पर हम बात करेंगे। सिलेक्शन ऑफ कॉलम, किस कॉलम का सिलेक्शन किस टाइप करते हैं, और C18 कॉलम है वो आप कब यूज में लेंगे, और फिनाइल कॉलम है वो आप कब यूज में लेंगे। C18 कॉलम और फिनाइल कॉलम मोस्टली दोनों कॉलम्स जो हैं वो रिवर्स फेस सिस्टम में यूज में ली जाती है। रिवर्स फेस सिस्टम का मतलब होता है कि आपका जो मोबाइल फेस है और आपका जो स्टेशनरी फेस है, मोबाइल फेस जो होता है वो पोलर होता है और स्टेशनरी फेस होता है वो नॉन पोलर होता है। मीन्स आपका दोनों जो आपके जो कॉलम है एचपीएलसी कॉलम वो आपके रिवर्स फेस में काम आते हैं। तो आप किस कौन से कंपाउंड में C18 कॉलम लगाएंगी, कौन से कंपाउंड में आप फिनाइल कॉलम लगाएंगी, हम इसकी बात करेंगे कि जो C18 कॉलम है वो आप किस मिक्सचर के सेपरेशन में लगाएंगी, और जो फिनाइल कॉलम है, फिनाइल कॉलम को लिख रहा हूँ पीसी का मतलब है फिनाइल कॉलम है ना। तो इस प्रकार क्या है, कोई कंपाउंड का मिक्सचर है जिसमें दो तीन कंपाउंड है, दो से तीन कंपाउंड है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमको C18 कॉलम में काम करना है या फिनाइल कॉलम में काम करना है। तो इसी की डिस्कस हम करेंगे आज की वीडियो में। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक आप इसे देखें। तो बात करते हैं कि आप फिनाइल कॉलम लगाएंगे या C18 कॉलम लगाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कॉलम की बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, कॉलम का स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल ये C18 कॉलम है और ये आपका है फिनाइल कॉलम, ये आपका फिनाइल कॉलम है, मतलब PHENYL फिनाइल। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर आपको पता नहीं है तो आपके जो मिक्सचर है, ये आपका मिक्सचर है, मिक्सचर का नेचर आपको पता होना चाहिए। इसका नेचर क्या, कौन सा है, नेचर मींस इसके अंदर जो कंपाउंड है उनका अप्रोक्सली स्ट्रक्चर क्या है। और दूसरी बात है कि फिनाइल कॉलम का स्टेशनरी फेस, इन दोनों का स्टेशनरी फेस क्या है, तभी आप ये क्लियर कर पाएंगे कि हमको C18 कॉलम में काम करना है या फिनाइल कॉलम में काम करना है। अब हम कॉलम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कॉलम की बात करें, C18 की कॉलम की बात करें और फिनाइल कॉलम की बात करें। तो नॉर्मली जो कॉलम होता है वो पोलर सरफेस होता है। फॉर एग्जांपल यहां सिलिका के बॉन्ड्स होते हैं और यहां पर OH ग्रुप होता है, दैट इज पोलर सरफेस। तो ये आपका पोलर सरफेस होता है सिलिका का। अब C18 कॉलम की बात करें तो इसका अगर हम देखें कि जो सिलिका जो है वो 8 कार्बन चेन से या 18 कार्बन चेन से जुड़ा होता है। C8 मतलब कार्बन 8 कार्बन से या C18 कार्बन से ये जुड़ा होता है, और इसके साथ साथ में OH या हम कह सकेंगे ट्राइमिथाइल सिलेन या CH3 ग्रुप होता है, इधर CH3 ग्रुप होता है, या ऐसा ही होता है। इस प्रकार ये एंड कैपिंग में आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, दैट इज एंड कैप में आपका एल्किल ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप होता है, और यहां पर सिलिका से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपकी एल्किल चेन। एल्किल चेन जो है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिसिटी जो होती है, हाइड्रोफोबिक या हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन आपको इसमें दिखाई देता है। C18 कॉलम में क्या होता है, 8 कार्बन चेन और सिलिका जुड़ी होती है, या C8 और C18 में दोनों में कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन होते हैं जो कि सिलिका से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, और सिलिका से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो इससे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होते हैं। मींस क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। जबकि हम बात करें फिनाइल कॉलम की, तो फिनाइल कॉलम की बात करेंगे तो फिनाइल कॉलम के अंदर
ये आपका कॉलम है, दैट इज फिनाइल कॉलम। हम फिनाइल कॉलम की बात करें तो नॉर्मली फिनाइल जो शब्द है उससे इंडिकेट कर रहा है कि आपके इस कॉलम के अंदर एज ए बेंजीन रिंग, या हम कह सकते हैं कि फिनाइल रिंग प्रेजेंट है। फिनाइल रिंग प्रेजेंट का मतलब है कि इसमें पाई बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है, साथ साथ में ये एल्किल चेन के द्वारा सिलिका से बॉन्डेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, दैट इज सिलिका डायरेक्टली कनेक्टेड टू एल्किल चेन एंड दैट फिनाइल रिंग। तो ये आपका एल्किल चेन है, एल्किल चेन, और ये आपका फिनाइल रिंग है, ये आपके पाई बॉन्ड्स हैं, ये आपका सिलिका है। तो इस प्रकार क्या है कि जो फिनाइल ग्रुप है उसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट के कारण पाई पाई इंट्रैक्शन होता है, और एल्किल चेन के कारण यहां पर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है। तो मोस्टली हम देखें कि C8 और C18 जो कॉलम है उनमें केवल एल्किल चेन का प्रेजेंस पाया जाता है, मींस हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन पाया जाता है, जबकि फिनाइल कॉलम के अंदर पाई पाई इंट्रैक्शन और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन दोनों पाए जाते हैं। तो मींस अगर आप किसी भी मिक्सचर के अंदर अगर आप रिवर्स फेस में अगर काम कर रहे हैं और आपको C18 या C8 कॉलम और फिनाइल कॉलम है दोनों में से अगर यूज में लेना है तो आप फिनाइल कॉलम यूज में लेंगे, क्योंकि वहां पर आपको पर्टिकुलर अच्छा सेपरेशन आपको यहां पर दिखाई देगा, और क्योंकि यहां पर दो प्रकार के इंट्रैक्शन होंगे, पाई पाई इंट्रैक्शन होगा और दूसरा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगा। तो मींस आपका फिनाइल कॉलम इज द बेस्ट देन C8 एंड C18 कॉलम, क्योंकि C8 एंड C18 कॉलम के अंदर केवल आपका जो इंट्रैक्शन होगा कंपाउंड का और मिक्सचर का इंट्रैक्शन होगा वो केवल आपका हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगा HI, और आपका अगर फिनाइल कॉलम है तो उसमें पाई पाई इंट्रैक्शन भी होगा और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी होगा। दो प्रकार के इंट्रैक्शन आपके जो होंगे वो आपके फिनाइल कॉलम में होंगे जहां पर फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, और अगर आपका C18 कॉलम है तो वहां पर केवल एल्किल चेन होगा, यहां पर एल्किल चेन के साथ में फिनाइल रिंग भी प्रेजेंट होती है। तो यहां पर आपके दो प्रकार के इंट्रैक्शन, पाई पाई इंट्रैक्शन और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, यहां पर आपका केवल हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन पाया जाता है। तो नॉर्मली अगर आप सेपरेट करते हैं किसी भी कंपाउंड के मिक्सचर को रिवर्स फेस में अगर सेपरेशन करते हैं तो आपका जो कॉलम आपको लेना है वो फिनाइल कॉलम लेना है, C18 कॉलम आपको, अगर आपको अच्छा अगर आपको सेपरेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल सेपरेशन चाहिए, क्योंकि बेंजीन अगर आपके कंपाउंड मिक्सचर में अगर बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट है या पाई बॉन्ड वाले कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो आपको फिनाइल कॉलम है वो लेना चाहिए। आज तो आज की वीडियो में इतना ही, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर एनी क्वेश्चन आपकी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरा मेल आईडी है वो है आलोक शर्मा लिखा हुआ है, वैसे आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और अदर जो वीडियोज हैं वो भी मेरे देख सकते हैं। तो HPLC के अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो में बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।